बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा कि एक बॉक्स है जिसमें बेटा 6 मार्बल हैं, 6 मार्बल हैं। आपसे कहा है हर एक मार्बल पे एक नंबर लिखा है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा ये 6 मार्बल, हर एक पे बेटा एक नंबर लिखा है। कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आपसे कहा है बेटा सबसे पहले यदि आप बॉक्स में हाथ डालते हो तो बच्चों 2 नंबर वाला मार्बल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप समझो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, किसी भी घटना के होने की संभावना को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बेटा आपसे इस क्वेश्चन में कहा है 2 नंबर का मार्बल आप बॉक्स से निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हम जो चाह रहे हैं उनकी संख्या। तो बेटा हमने बॉक्स में हाथ डाला, हमें कौन सा मार्बल चाहिए? 2 नंबर वाला मार्बल चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? देखिए यहाँ 2 नंबर वाला मार्बल कितना है? 1 है। बॉक्स में बेटा 2 नंबर वाला मार्बल सिर्फ 1 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। और बेटा नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल मार्बल्स कितने हैं उनकी संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा नीचे 6 आएगा। इस तरह से बेटा आपसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा है यदि आपने बॉक्स में हाथ डाला तो बेटा 5 नंबर वाला मार्बल निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा बॉक्स में 5 नंबर वाला मार्बल है कितने? तो बेटा सिर्फ 1 है। एक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 1 हो गए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल मार्बल जो बॉक्स में है उनकी संख्या कितनी है? 6 है, तो अपॉन में 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी बेटा आ गई 1/6। इस तरह से बेटा आप कह सकते हो 2 नंबर का मार्बल निकालो या बेटा 5 नंबर का मार्बल निकालो, दोनों ही स्थिति में प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 1/6।